हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश कुमार फ्रॉम एसकेसी हजारीबाग और ये वीडियो नंबर 26 है रियल नंबर क्लास 10th का। इस वीडियो में मैं आर एस अग्रवाल का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि आपको आर एस अग्रवाल का 2020 एडिशन का बुक में पेज नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 में मिल जाएगा और वही आपको आर एस अग्रवाल का लेटेस्ट एडिशन 2021 में आपको पेज नंबर 13 में एग्जाम्पल नंबर 8 में मिलेगा। और आप चाहते हैं कि इसी तरह क्वेश्चन का, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन का एक और मैं वीडियो बनाऊं सेम क्वेश्चन टाइप का या सिमिलर क्वेश्चन टाइप का, तो प्लीज़ आप वीडियो नंबर 27 जाके देखें, उसमें मैंने इसी टाइप का बना रखा है। आइए देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1037 लिविंग द रिमाइंडर 5 इन एच केस। क्वेश्चन में बोला है कि एक ऐसा नंबर निकालू कि जिससे इसको और इसको जब डिवाइड करते हैं तो 5 दोनों के केस में बचता है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि कोई ऐसा नंबर निकालो जिसको जिससे इसको डिवाइड करे तब भी 5 बचे और इसको डिवाइड करे उसी नंबर से तो भी 5 बचे। तो आइए देखते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या क्वेश्चन शुरू में क्या बोले, लार्जेस्ट नंबर मतलब लंबा नंबर, और वो क्या करने वाला, डिवाइड भी करने वाला है। डिवाइड खाली लार्जेस्ट देख के ऐसी अपन निकाल लीजिएगा, नहीं तो हर बहुत जगह कई बार लार्जेस्ट लिखा रहता है या फिर लिखा रहता है लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट, लेकिन निकालना रहता है एलसीएम तो उसके इसमें फंस जाओगे। तो लार्जेस्ट देख के मत डिसाइड कर लीजिए, लार्जेस्ट है साथ ही साथ ये भी कभी बार 100 लार्जेस्ट देख के करोगे तो अक्सर सही हो जाओगे लेकिन कहीं कहीं गलत हो जाओगे। लेकिन यहाँ बोला डिवाइड, जो इसको डिवाइड करेगा तो लार्जेस्ट और दोनों देख रहे, मतलब एचसीएफ निकालना है और लिविंग रिमाइंडर 5 इन एच केस, 5 बचना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब रहे ना तो हम लोग क्या करेंगे, जितना 5 रिमाइंडर बचना है, मतलब कोई नंबर है उसको डिवाइड करेंगे तो 5 बचाना है रिमाइंडर को, तो हम लोग क्या करेंगे उस 5 को घटा देंगे पहले, तो घटा दिए, उसको घटाने के बाद आया 240 उस, और उसी तरह हम लोग इसके साथ भी करेंगे 1037 को 5 घटाएंगे 1032 आएगा। अब इस दोनों को हम लोग, इस दोनों नंबर का हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकाल देंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे 2 टाइम्स में आएगा 516, 516 को फिर 2 से काटेंगे तो आएगा आपका 258, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2 2 2 4 बचा 1, 2 9 18, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ब्रेक करेंगे तो 3 4 12, 3 3 9, अभी तो कटने वाला नहीं, प्राइम नंबर में आकर कटक गया। इसको भी 240 को भी तोड़ेंगे तो 240 का कितना हो जाएगा 120, आधा 120 का 60, और फिर इसको 2 से करेंगे तो 30 को 2 से फिर डिवाइड करें 15 15 3 5 15, ब्रेक कर दी। अभी सबको हम लोग इसके पावर के फॉर्म में 2 कितना बार था 1 2 3, तो 2 का पावर 3 कर दिए, फिर 3 एक बार था लिखे 43, इसको भी सेम करेंगे 1 2 3 4, 2 4 बार था, 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, ये लिख लिया। अब एचसीएफ आप लोग को निकालने आता है तो अब आपका तो सॉल्यूशन हो गया, आप चाहो तो वीडियो जंप कर लो। इसको सॉल्व करेंगे एचसीएफ, दोनों नंबर में जो कॉमन रहे और जिसका पावर कम रहे उसको लेते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा 2 है और इसका पावर कम कौन सा है 3 है, तो इसको लेंगे, दोनों में कॉमन 3 भी है और 3 का पावर 1 कम है, अब इसको सॉल्व करो तो 2 का पावर 3 मतलब 8, 8 3 24, तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर। अब क्वेश्चन में बोला था ना कि एक ऐसा नंबर निकाल लो जिसको इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 बचता है और इससे भी 5 बचता है, देखिए 24 आया। अब 24 को 245 को जब 24 से डिवाइड करोगे तो देखना आप रिमाइंडर 5 बचेगा, और जब 1037 को भी 24 से डिवाइड करोगे तब भी 5 बच रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको अच्छा से समझाने की, आपको एग्जाम में बनाने की जरूरी नहीं, मैंने समझाने के लिए सिर्फ यूज किया है। आप अगर दी थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को और भी अच्छा समझना चाहते हो तो क्वेश्चन में क्या बोला है लार्जेस्ट, अगर दी 5 को भूल जाओ, 5 को भूल जाओ, यहाँ तक फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 400 to 245 and 1037, तब आप क्या करते इस दोनों का एचसीएफ निकालते, एचसीएफ निकाल देते, तो एचसीएफ निकालते तो उस केस में क्या आ जाता आपका कंप्लीटली रिमाइंडर क्या आता है जीरो आ जाता है, जीरो सॉरी रिमाइंडर जीरो आ जाता है, पर रिमाइंडर हमको क्या करना है इस केस में 5 बचाना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसलिए 5 बचाना है, इसलिए हम लोग क्या किए उसको शुरू में ही हम लोग क्या किए सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं ताकि क्या करें 5 बचे।